जूजू, आपने ऐसा कैसे किया? मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट में इतना बड़ा गलती कर बैठोगे। सॉरी सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया है। सॉरी डूडू, मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ, आपका डिमोशन होगा। सर आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर मेरा डिमोशन हो जाएगा तो मेरा सैलरी बहुत ही घट जाएगा। सॉरी मिस्टर डूडू, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आपके वजह से कंपनी में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा महीने हम नहीं दे सकते हैं, आपका डिमोशन ही होगा। सर अगर मेरा डिमोशन होगा तो मेरा फैमिली नहीं चलेगा सर, इसके जिम्मेदार आप ही हो डूडू, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। मेरा डिमोशन हो गया है, मेरा इतना बड़ा फैमिली कैसे चलेगा, इतना कम पैसों से मैं कैसे फैमिली को चलाऊंगा। बूबू मैं घर आ गया हूँ। आज मुझे बाद बिरयानी खाने का मन कर रही है, चलो चलो मुझे जल्दी से पैसे दो, मैं खाना ऑर्डर करूंगी। नहीं बुबू, मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, उसमें से कोई भी फालतू खर्च नहीं होगा। अरे डेडे तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मैं बिरयानी खाना चाहती हूँ, तुम अब पैसे दे ही दो। ए मोटकी राक्षसी भुक्कर लड़की कही के, मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि मैं उसमें से कोई भी पैसे खर्च नहीं करूंगा, तो फिर से तू मेरा सट क्यों खा रही है रे, चले जा यहाँ से। डूडू तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हो, मैं तो सिर्फ बिरयानी खाने का बात ही कह रही थी तुमसे। मोटकी कही कि जब देखो खाती रहती है, एकदम बकवास लड़की है, फालतू के खर्च करती है, चले जा यहाँ से तू। मैंने बुबू से बहुत ज्यादा घटिया तरीके से बिहेव किया हूँ, कुछ ज्यादा ही बोल चुका हूँ, अब मुझे बुबू को मनाना पड़ेगा। बुबू रोना बंद करो और बिरयानी ऑर्डर करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। नहीं डूडू, अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुमने मुझे मौत की राक्षस से और भी बात कुछ कहा है, मैं ये सब सुन के अब खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी मैं। बुबू मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम खाना ऑर्डर करो, जल्दी से खाना ऑर्डर करो, मैं पैसे दे रहा हूँ तुम्हें। मैं मोटी हूँ, थोड़ी बहुत खाना खा लेती हूँ, लेकिन क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है डूडू? तुमने मुझसे बहुत घटिया तरीके से बिहेव किए हो, इसके बाद भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं खाना ऑर्डर करूंगी, मैं कभी ऑर्डर नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ए ड्रामा क्वीन, ठीक है तुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, तू भूखा ही रह। डूडू मुझसे बहुत घटिया तरीके से बिहेव कर रहा है, ऑफिस से घर लौटने के बाद वो मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है, शायद ऑफिस में डूडू का कोई प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो डूडू मुझसे इस तरीके से नहीं बात करता है। क्या मुझे डूडू से पूछना चाहिए कि उसके ऑफिस में क्या हुआ है? नहीं मैं नहीं पूछूंगा, डूडू मुझे चुड़ैल मोटकी कहा है, मैं नहीं पूछूंगा, नहीं बात करूंगा डूडू से। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक हुआ है बुबू इतना नादान है, मैं उसे क्या बताऊं, हर वक्त सिर्फ बच्चों जैसा बिहेव करती रहती है,
और मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं क्या करूंगा अब? बुबू बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अगर मैं उसे कहूंगा कि मेरा डिमोशन हो गया है तो वो बहुत टूट पड़ेगी। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन करेगी। मैं तो उसे जानता हूँ ना, वो नाजुक है, नादान है, बच्चों जैसी है, लेकिन वो दिल से बहुत ज्यादा साफ है। मैं आज बुबू को ठीक से मना भी नहीं पाया हूँ। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने डिमोशन के बारे में बुबू को कैसे बताऊँगा? मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल ही चला लेता हूँ। डूडू तो ऑफिस से घर लौट के कुछ भी नहीं खाया है। मैं जाकर देखती हूँ डूडू क्या कर रहा है। ओ नो, डूडू तो मोबाइल चलाते चलाते सो गया है। जरूर डूडू के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो डूडू मुझसे इस तरीके से कभी नहीं बात करता है। माय डूडू कितना चैन से सो रहा है। कल मैं डूडू से पूछूंगी कि उसके ऑफिस में क्या हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग, डूडू तुम्हें क्या हुआ था कल? तुम मुझसे बहुत घटिया तरीके से बिहेव कर रहे थे। तुम्हारे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या डूडू, बताओ मुझे। हाँ बोबो, मेरा डिमोशन हो गया है। मैं एक प्रोजेक्ट में गलती कर बैठा हूँ, इसलिए बॉस ने मेरा डिमोशन कर दिया है। डूडू तुम्हारा डिमोशन हो गया है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं फालतू में तुमसे बिरयानी खाने के लिए जिद कर रही थी। हाँ बोबो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जितना पैसे है उनसे ये पूरा महीना चलाना पड़ेगा। हम दोनों ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं अब बुबू। कोई बात नहीं डूडू, मैं तुमसे अब कोई भी जिद नहीं करूंगी खाने के लिए। मैं जितना है उनमें से ही काम चला लूंगी डूडू। ओ माय बुबू, तुम बहुत ज्यादा समझदार लड़की हो। मैं तो सोचता था कि तुम बहुत ही ज्यादा बच्चों जैसी हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो बुबू। मैं तुम्हारा वाइफ हूँ डूडू, तुम ये बात कैसे भूल जाती हो? मैं सिर्फ जिद करती हूँ खाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ सब कुछ। आई लव यू माई बूबू, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे पत्नी मिला है। हाँ हाय डूडू, आई लव यू सो 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 मच। मैं भी तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा मोटू पति मिला है। माई बुबू, यू आर माई एवरीथिंग। अगर तुम मेरे लाइफ में रहोगी तो मैं कोई भी मुश्किल वक्त आसानी से हैंडल कर पाऊंगी।